हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ये देखिए तिरंगा लहर रहा है। अभी हम लोग आए हैं छपरा जंक्शन यानी स्टेशन पे। हम लोग जा रहे हैं फाइनली घूम फिर कर, अब मैं वापस जा रही हूँ। तो ये देखिए बच्चे मेरे और मेरे जेठानी जी के लड़के हैं, वो मुझे छोड़ने के लिए आए हैं स्टेशन पे। तो बच्चे लोगों के साथ अकेले में नहीं जा सकती, तो वही आए हैं। तो अभी ट्रेन का वेट हो रहा है, ट्रेन आने में टाइम लगेगा, तो बैग लेकर खड़े हैं। बस 2 मिनट में आने वाली है, इसीलिए सब लोग तैयार है, कभी भी आ सकता है। या और यहाँ पे 5 मिनट रुकता है मात्र। तो ये देखिए ट्रेन आ चुकी और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये क्या खा रही है उसने? लिट्टी, लिट्टी और चाय। चाय क्योंकि हम लोगों का फेवरेट है। और पता है ये क्या है? आग पे का पकाया हुआ लिट्टी है। आर्यन को पसंद नहीं है, तो आर्यन बिस्किट और चाय खा रहा है ना बेटा? हाँ। ये चाय और बिस्कुट बाबू को बहुत पसंद है। और स्नेहा श्रीदी लिट्टी खा रही हैं चाय के साथ, अच्छा लगता है। आग पर का पकाया हुआ है, जैसे कि मैंने पिछला ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने जेठानी जी के साथ मैंने सीखा है आग पर लिट्टी पकाना, तो मैं रास्ते के लिए वही लेकर आई थी। तो सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं ए टू जेड ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, बिहार गए थे तब से लेकर के अब बंगाल आ गए जब तक। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगेगा। देखिए लिट्टी खा के पेट नहीं भरा बच्चा लोगों को, तो टिफ़िन लिया है लो, कहता है और कुछ खाना है तो टिफ़िन ले लिए। चलो कोई बात नहीं, ले लो। लोगों का है ही क्या, जो भी ट्रेन में आएगा सब खरीद लेना। देख लिए, सुन लिए, मतलब कुछ भी आ रहा है, कुरकुरे है तो चना है तो ये है तो है, सब कुछ चाहिए ही लो चेंज कर करके, है ना रिया? ऑमलेट है, 2 ऑमलेट दिया था, 50 रुपये का था ना? 50 रुपया लिया था, तो उसमें मिक्स करके खाने के लिए ऑमलेट दिया हुआ है। खा लो खा लो, पेट भर लो। हमारे तो इससे भी पेट नहीं भरेगा। हाँ, तो फिर आएगा तो फिर किन आएगा, है ना? इन लोगों का तो यही है, किन्ना और खाना। बोर हो रही हो? ट्रेन में कहा क्या कोई बोर नहीं होता क्या? नहीं, हम तो बोर नहीं होते। हम तो बहुत ज्यादा बोर होते हैं, पता है। मैं आती हूँ ट्रेन में तो मुझे नींद बहुत आता है, और हमको भूख। इन लोगों का काम ही क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा नजारा लग रहा है इधर का, हरियाली, मतलब गेहूं का है, भुट्टे का है। ये देखिए भुट्टे का खेत है, ये सब यहाँ पे बहुत सारे भुट्टे हैं, और ये हरियाली देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा यहाँ का ना। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ए टू जेड ब्लॉग शेयर करते आ रही हूँ। मैं जब भी जाती हूँ खिड़की के पास बैठ करके मज़ा आता है। वो क्या है, मैं एसी वाला बॉगी में हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है दिखाने में। देखिए करीब जा करके दिखाना पड़ता है, तो अच्छा दिख रहा है। खिड़की के पास बैठ करके देखने में मज़ा ही कुछ हो रहता है, अच्छा लगता है ना? इसलिए बोर होना नहीं पड़ता। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितना अच्छा, मतलब खूबसूरत लग रहा है नज़ारा देखने का। देखते देखते समय कट जाता है, 2-3 घंटा बैठना ही पड़ता है, और ज़्यादातर मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे नींद बहुत आता है ट्रेन में। और हम अपने फ्रेंड्स से फ़ोन करके बातें करते रहेंगे और हाँ, खाते रहेंगे, और इन लोगों का खाना होता रहेगा, खाते रहेंगे लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करें, शेयर करें, और मैं जितना कोशिश हो सके उतना कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा जाए, मैं अच्छा बनाऊँ। और यदि कहीं पे मतलब कमजोरी है तो हमें बताएं कि मैं सुधार करूँ कमजोरी का, मतलब ब्लॉग में अपना अच्छा बनाऊँ, अपना 100%। हाँ, तो पूरा रिक्वेस्ट है आप लोग हमारी फुल सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हर एक ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। जी थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके। ये देखिए केले का पौधा, केला है, ये तो केला का खेत लग रहा था। हाँ, खेत नहीं है, साइड साइड में लगाया। देखो ये भुट्टा है, कितना सारा भुट्टा है। हाँ, भुट्टा का खेत। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना नज़ारा यहाँ का। और ये जो तिरंगे का है, फर्स्ट में दिखाए थे मैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था, छपरा जंक्शन पे लगाया हुआ था, तो मैंने जय हिंद भी बोला था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, तिरंगा लहर रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, मतलब मेरा नया चैनल है और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, मैंने नहीं किया,
तो मैं अभी चाय ली हूँ और ये रहा बिस्किट, मैं चाय बिस्कुट खाऊंगी। और ये देखिए छोटे लाल को, ये छोटे लाल जब मैं खाऊं और ये ना खाए, ऐसा हो सकता है? और हम तो यहाँ पे बैठ के फोन देखे जा रहे हैं और ये लोग कार्टून देख रही है। हाँ, आर्यन बोल रहा है अच्छा लग रहा है, नाइस नाइस, खूब अच्छा करता है ना बेटा। हाँ। तो ये देखिए नाइस कितना अच्छा दिखा रहा है, उंगली दिखाता है। चाय खा ट्रेन में चाय, हाँ एक चाय तो अच्छा लगता है, चाय और बिस्किट, वो भी एसी वाले बूथ में बैठ के आराम से चाय पीते रहो। हाँ अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ब्लॉग? मैंने बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाया, मतलब बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत है, सीनरी है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग उतर गए हैं कुछ बिहार, यदि कुछ बिहार स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बिहार, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ से कुछ होता है कुछ लगभग मतलब? लगभग यहाँ से कितना 15 मिनट लग जाएगा टोटो से जाने से, ऑटो से, तो 15 मिनट के बाद ही घर पहुँचेंगे। तो मैं अब बैग ली हूँ, मेरे हस्बैंड जी आए थे मुझे रिसीव करने के लिए। तो ये देखिए अभी कितना नंबर पर, प्लेटफॉर्म 2 पे आया, उतरा था, 1 पे हम लोगों को जाना है। तो सीढ़ी से हम लोग उतर रहे हैं, सीढ़ी से नहीं उससे उतरेंगे लिफ्ट से, और उसके बाद ये इसी ट्रेन से आए थे। तो ये देखिए एस्केलेटर से उतरे, हाँ इससे उतरे हैं और जा रहे थे लिफ्ट से। लिफ्ट से कुछ बिहार में सब साधन सुविधा है, अच्छा है। तो इससे उधर, और ये देखिए ऑटो मैंने ले लिया है, इससे हम जा रहे हैं और बच्चे लोगों को ले लिए हैं। यहाँ से 15-20 मिनट का दूरी है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करके ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।